नथिंग इंडिया में एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम होने वाला है नथिंग फोन 2। ट्विटर पर बायो चेक कर लो, ट्विटर पर वीडियो पोस्ट डाल दिया, फ्लिपकार्ट पर लैंडिंग पेज आ गया, हर जगह से ये क्लियर हो रहा है कि फोन 2A तो आ रहा है। अभी फोन 1 आया था, फोन 2 आया था और ये फोन 2A, मतलब कि ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है। बट ये स्मार्टफोन किस प्राइस में लॉन्च होगा, क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बेसिकली क्या आपको इस फोन का वेट करना भी चाहिए, क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी होगा, डोंट वरी, सबके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूं कि जो नथिंग फोन 2A है, इसका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं नथिंग फोन 1 एंड नथिंग फोन 2 के बीच में रहने वाला है। आई मीन फोन 1 ऑब्वियसली काफी टाइम हो गया आए हुए, तो उससे काफी सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलेगी, लेकिन ये नथिंग फोन 2 के आसपास तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि फोन 2 44,000 की प्राइस में मिल रहा था। मतलब वो बात अलग है कि अभी आपको 35,000 की प्राइस में मिल जाता है, लेकिन हाँ, नथिंग फोन 2 का ये लाइटर वर्जन ही रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह के स्पेक्स यहां पर निकल के आ रहे हैं, जैसे कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेट यहां पर बताया जा रहा है, और अगर इस चिपसेट को आप देखोगे तो अभी फिलहाल एंड्रॉइड स्मार्टफोन वर्ल्ड में जो प्राइस एग्रेसिव ब्रांड्स है वो इस तरह के चिपसेट के साथ फोन आराम से 25,000 की प्राइस में निकाल देते हैं, जहां पर कर्व डिस्प्ले वगैरह तक भी दे दी जाती है। तो अगर इस चिपसेट पर फोन आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये मतलब 30,000 के अबव की प्राइस में किसी भी हाल में जाएगा। सारे रैम वेरिएंट्स, हायर वायर सब कुछ मिला भी लोगे ना, तब भी मेरे को लगता है मैक्सिमम इस फोन का प्राइस 30,000 तक ही पहुंचना चाहिए, वही ये चिपसेट बेसिकली डिजर्व भी करता है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर ना कैमराज जो है वो नथिंग फोन 1 में जैसा देखने को मिले थे डुअल रियर कैमराज, उसी तरह के 50-50 मेगापिक्सल के सेंसर बैक साइड में दिए जाएंगे। सैमसंग के सेंसर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन फोन 1 से अपग्रेड क्या हो रहा है, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया जाएगा। सोनी IMX615 सेंसर को यूज किया जाएगा, जो कि एक अच्छा अपग्रेड मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे जो डिस्प्ले वगैरह है वो वही 6.7 इंचेस के फुल HD प्लस एमोलेड पैनल रहेगा। आई मीन नथिंग ने जब से अपने फोन लॉन्च करना शुरू किया है, ये तो बेयर मिनिमम है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ ही फोन लॉन्च हो रहा है। 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट उनके फोन में अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी वगैरह है वो अगेन 4920 mAh कुछ इस तरह का निकल के आ रहा है। चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, नथिंग ने मतलब ये शुरुआत ही बेयर मिनिमम से करी कि फोन के अंदर चार्जर वार्जर नहीं देंगे, जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, फिर पिक्सल हो गया, जो अपने आप को प्रीमियम सेगमेंट में प्लेस करते हैं जो ब्रांड्स हैं, उन्हीं की स्ट्रेटेजी को कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है। और ये जो फोन 2A एक्चुअली में आ रहा है ना, इससे तो काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि पिक्सल की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे टाइम तक पिक्सल का सिर्फ एक ही फोन आता था, उसके बाद उनका A सीरीज वाला फोन आने लगे जो थोड़े लाइटर वर्जन होते थे, जहां पर कुछ हद तक फ्लैगशिप वाले फीचर्स दिए जाते थे, लेकिन उनको मिड रेंज में प्लेस्ड करके उनको एक मिड रेंज फोन बना दिया जाता था। तो फोन 2A का भी स्ट्रेटेजी मुझे काफी हद तक उसी तरह का लग रहा है। तो बेसिकली हो सकता है यहां पर प्लास्टिक बिल्ट स्मार्टफोन देखने को मिले, लेकिन हो सकता है जो फ्रेमिंग वगैरह है वो एल्युमिनियम की दी जाए, जैसे कि एक्चुअली में पिक्सल सीरीज में भी ऐसा ही होता है, बिल्ट प्लास्टिक की होती है और फ्रेमिंग वगैरह एल्युमिनियम की दी जाती है, ताकि थोड़ा सा प्रीमियम टच भी बना रहे, तो वो यहां पर किया जा सकता है। इनफैक्ट यहां पर कुछ इमेजेस निकल के आई है, आई मीन ये रेंडर्ड इमेजेस हैं। देखो, दो तरह की इमेजेस निकल के आई है, एक वो जहां पर वर्टिकल शेप में कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है, लेकिन इसके अगर आप बैक में देखोगे ना, तो किसी भी तरह का ग्लिफ लाइट्स वगैरह पीछे नहीं दी गई है, जो कि काफी मेरे को लग रहा है इम्पॉसिबल टाइप की चीज है, क्योंकि ग्लिफ लाइट्स जो है वो नथिंग का एक सिग्नेचर स्टाइल है जो मेरे को लगता है होना चाहिए। तो हो सकता है जो ये वाली इमेजेस हो वो शायद एक्चुअल में आपको उस तरीके का फोन ना देखने को मिले, क्योंकि एक और तरीके का फोन देखने को मिला है जो कि रेडिट पर निकल के आया था, जहां पर पहले कुछ फोटोज कवर्ड थी, हॉरिजॉन्टली कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ था, और बाद में उसकी कुछ इमेजेस निकल के आई है जहां से पता लग रहा है कि वो कैमरा मॉड्यूल एक्चुअली में सर्कुलर शेप का है, और वहां पर ग्लिफ लाइट्स वगैरह भी दी गई है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का डिजाइन जैसा नथिंग का होता है वैसा भी है। मुझसे अगर पूछोगे कि कौन सा डिजाइन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वाला मुझे काफी हद तक लग रहा है कि वैसा शायद देखने को मिले। अभी यू नेवर नो, किसी भी तरीके का आ सकता है, लेकिन उसमें क्योंकि ग्लिफ लाइट्स है तो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। आपको क्या ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो। अभी बोला ये जा रहा है कि MWC में ये 26th February को अनवील कर दिया जाएगा, तो आप मान के चलो अभी तक ऑफिशियली लॉन्च डेट नहीं अनाउंस हुई है जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली 26-27 या फिर बाय द एंड ऑफ द फेब्रुअरी तक ये फ़ोन हमें पता लग जाएगा किस प्राइस में लॉन्च हो रहा है और इसका लॉन्च आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग पर। बाकी ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ फरवरी अगर फोन लॉन्च हो रहा है तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। नथिंग OS 2.5 हमें देखने को मिलेगा, जो कि बाकी के फोन्स में भी उनका अपडेट आ गया है, एंड
टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीचर्स के हिसाब से चाहे किसी भी हिसाब से आप देखो, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये फ़ोन 30,000 के अबव जाएगा। ये फ़ोन 25,000 to 30,000 के बीच में ही रहना चाहिए और यही इस फ़ोन का प्राइस आना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, सारे फीचर्स मैंने आपको भी बताया, आप क्या सोचते हो फ़ोन किस प्राइस में लॉन्च होना चाहिए और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस स्मार्टफोन के साथ, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।